हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में मानी एंड लक्ष्मी। दोस्तों आज हम जा रहे हैं घूमने और हमारे ना गांव से मेरी सारी सिस्टर्स आ रखी हैं, तो हम घूमने जा रहे हैं। तो आप भी बने रहिए जयपुर दर्शन में। और अभी हम ट्रैवलिंग बस में है, तो अभी हम निकल रहे हैं। चलो बने रहिए जयपुर के सुंदर नज़ारे देखने के लिए। दोस्तों अब हम जा रहे हैं बिरला मंदिर, इसके लिए उतर रहे हैं गाड़ी से बाहर। ये देखिए दोस्तों, हम रोड क्रॉस करके जा रहे हैं। दोस्तों पहले हम जा रहे हैं गणेश जी मंदिर, फिर जाएंगे बिरला मंदिर। दोस्तों मंदिर के बाहर पहुंच गए हैं, देखिए कितनी भीड़ हो रही है। दोस्तों काफी भीड़ हो रही है यहाँ पे। आप भी माही एंड लवली मोम के ब्लॉग से दर्शन कर लीजिए। मंदिर के लिए गणेश जी मंदिर से निकल के दर्शन करके जा रहे हैं बिरला मंदिर के लिए। हम बिरला मंदिर जा रहे हैं और वहाँ से ना रास्ता बंद है, तो हम दूसरी साइड से घूम के जा रहे हैं। और मेरे साथ में है ध्रुव तिवारी। बहुत थक गए हैं अभी से, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, धूप बहुत ज़्यादा है आज, तो पूरा दिन देखते हैं कैसे निकलता है। गर्मी बहुत ज़्यादा ही है आज कुछ। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए। ये देखिए कितने बड़े गार्डन हैं यहाँ, बहुत ही सुंदर है मंदिर। लोग कितने सुंदर लग रहे हैं जो आए हुए, ये देखिए। और धूप में ना हम सारे काले हो गए। ये देखिए सारे ब्लॉगर ही ब्लॉगर घूम रहे हैं यहाँ। यार मुझे ब्राउन, अरे तो भैया के साथ वो फोटो जरूरी है। भैया नाम तो बस के आ चुके हैं, अब जा रहे हैं। आ जाओ भाई, माही आ जा, माही आ जा, माही आज बहुत सुंदर लग रही है, ये देखिए। चलिए चलिए, अल्बर्ट हॉल पहुंच गए हैं और अंदर चलते हैं। अंदर पिक्चर लेना अलाउ नहीं है, ये देखिए धूप बहुत है ना, इसलिए आंखें नहीं खुल रही हैं। गोविंद देव जी मंदिर पहुंच गए हैं और बहुत थक गए हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है आज। बाहर ऐसे छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं जगह जगह में। जयपुर का सबसे प्राचीन मंदिर गोविंद देव जी का
यहाँ की बहुत मान्यता है, कहाँ कहाँ से लोग गोविंद देव जी महाराज के दर्शन करने आते हैं। और आज आप लोगों को भी मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से इसके दर्शन कराती हूँ मंदिर के। दोस्तों देखिए, गर्मी की वजह से बाहर पूरा छांव की व्यवस्था कर दी है यहाँ पे। ये देखिए ब्यूटीफुल लड़कियाँ आ रही हैं पीछे से हमारे। दोस्तों भगवान की कृपा से पट भी खुले मिल गए हैं और यहाँ इतनी भी खुलने वाले हैं। आशीष देखिए इतनी भीड़ हो रही है यहाँ, हमेशा इतनी भीड़ रहती है। अभी खुले नहीं है, अभी खुलने वाले हैं। दोस्तों अब हम आमेर के लिए निकल चुके हैं और देखिए कितना सुंदर व्यू है। आमेर जाने वाला रास्ता ना हम ऐसे हमारे पहाड़ों की याद दिलाता है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। चलिए फिर आमेर चलते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं आमेर के। आमेर के लिए निकल चुके हैं और ये देखिए बाहर का व्यू और ये देखिए ब्यूटीफुल लेडी। हाथ से बहुत तो अब हम खाना खाएंगे क्योंकि अब हमको लग रही है जोरों की भूख। फिर उसके बाद जाएंगे हम ऊपर। ये देखिए ऊपर इतनी चढ़ाई चढ़नी है, ऊपर अंदर कोई गाड़ी नहीं जाती है। जाती तो है, जाती है पर हम इतने जने हैं, बजट से बाहर चले गए हैं, इसलिए हम पैदल जाएंगे। दोस्तों अब हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं और हम बहुत थक गए हैं क्योंकि इतनी धूप है। ये देखिए ऐसी ऐसी शॉपें भी हैं यहाँ पर सारी चीज़ों की। दोस्तों देखिए आमेर महल और सांसें बहुत फूल रही हैं क्योंकि थक गए हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है योधा रानी का महल। फाइनली हम अंदर एंटर हो चुके हैं और बहुत बुरी तरह थक चुके हैं। दोस्तों देखिए माही मेहंदी का टैटू बना के लाई है, वो भी हाथ में। दिखा माही, दिखाओ तो पास से। वाह सो ब्यूटीफुल। और अब हम पहुंच गए हैं जल महल। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। गाड़ी आ गई है तो ड्रेस पसंद करो। ये देखिए भी तैयार हो रही है और माही ने पहना है ब्यूटीफुल येलो। वाव वाव वाव। माही इधर देखो, घुमा के दिखा माही। दोस्तों हमने जल महल के पास आके फोटो में भी खिंचवाई और यहाँ पर ना बहुत सुंदर सुंदर इयररिंग्स और बैंगल्स लगे थे, बहुत ही सुंदर। इस तरह की शॉप्स लगी रहती है यहाँ पे।
दोस्तों अब हम खोले के हनुमान जी के मंदिर आ गए हैं, ये देखिए। और हमने खाना वाना खा लिया है, अब मंदिर के दर्शन करके जाएंगे। टीपी पहुंच चुके हैं, ये देखिए जयपुर का सबसे ब्यूटीफुल मॉल, बहुत ही सुंदर है ये। अभी कुछ मैंने बाबा को जो बोला ना, दोस्तों अब हम सिटी पार्क आ चुके हैं और शाम का टाइम हो गया है और आज पूरे दिन से हम घूम रहे हैं, ये फाइनल है, इसके बाद हम घर जाएंगे अब सिटी पार्क। मौसम भी खराब हो रहा है।